हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और नेक्स्ट लेसन. द नेम ऑफ लेसन इज फुटप्रिंट्स. फुटप्रिंट्स मीन्स पैरों के छाप. सो वी स्टार्ट द लेसन भोलू एंड द फुटप्रिंट्स. भोलू और फुटप्रिंट्स. वन डे सम बेबी एनिमल्स वर प्लेइंग ऑन अ मडी रोड इन अ जंगल. एक दिन कुछ बेबी एनिमल्स जंगल में मडी रोड पर खेल रहे थे. मडी रोड मीन्स वहाँ पर क्या थी, जो गीली मिट्टी थी. ऑल ऑफ अ सडन एन एलिफेंट शाउटेड, रन रन गो टू योर होम्स, भोलू इज कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा. अचानक से क्या हुआ, जो बेबी एलिफेंट था उसने जोर से चिल्लाया, भागो भागो अपने घर जाओ, भोलू अपने कैमरे के साथ फोटो शूट करने आ रहा है. सो ऑल द बेबी एनिमल्स रैन अवे. तो फिर क्या हुआ, जो सारे बेबी एनिमल्स थे वो वहाँ से भाग गए. When Bholu came with his camera, all he saw was the footprints of these animals. जब भोलू अपने कैमरे के साथ वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ क्या देखा, एनिमल्स के फुटप्रिंट्स थे, पैरों के छाप वहाँ पर थे. Can you match the animals with their footprints? क्या आप जो footprints हैं उन्हें match कर सकते हैं कि किसके footprints हैं उन animals के साथ. So जो ये वाले footprints हैं यहाँ पर, ये किसके हैं, हैन के. नेक्स्ट जो ये यहाँ पर है फुटप्रिंट्स, ये है टाइगर के. जो बड़े वाले फुटप्रिंट्स हैं वो है एलिफेंट के. और जो छोटे फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पर, ये है फ्रॉग के. ठीक है. ड्रॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ अ डॉग इन दिस बॉक्स. अब आपको कहा है कि जो ये बॉक्स है यहाँ पर आपकी बुक में, यहाँ पर आपने एक डॉग के फुटप्रिंट्स बनाने हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. मेक द फुटप्रिंट ऑफ योर फ्रेंड ऑन द फ्लोर, इज इट स्मॉलर देन योर्स. ये एक एक्टिविटी है आपके लिए. आपको क्या करना है, अपना और अपने फ्रेंड का फुटप्रिंट लेना है फ्लोर पे और चेक करना है कि वो आपके पैर से छोटा है या फिर बड़ा. ट्रेस एंड गैस. अब आपको क्या करना है, कुछ छाप लेनी है और उन्हें गैस करना है. रॉन इज ट्रेसिंग अ लीफ. रॉन क्या कर रहा है, एक पत्ती की छाप ले रहा है. यू ऑल्सो कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स लाइक लीव्स, पेबल्स, अ स्टिक, अ बैंगल, बिंदीज. ट्रेस ईच थिंग हेयर. आप भी क्या कर सकते हैं, कुछ पत्तियाँ ले सकते हैं, पत्थर यानी कि छोटे छोटे पत्थर, स्टिक, बैंगल, बिंदी. फिर आपको क्या करना है, उनकी छाप बनानी है. फिर गैस करना है खुद या फिर अपने फ्रेंड से गैस करवाना है कि किस चीज़ की छाप वहाँ पर है. रूही मेड टू डिफरेंट ट्रेसेस ऑफ द सेम बाउल. रूही ने एक ही बाउल के दो अलग अलग छाप लिए. ठीक है. How did Ruhi keep the bowl to get two different traces from it? Ruhi ने किस तरह से बाउल को रखा होगा कि उसने उसके दो अलग अलग छाप लिए. तो रूही ने क्या किया होगा, एक तो बाउल को सुलटे में रखा होगा सीधे में, फिर उसकी छाप ली, और एक बार बाउल को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया और फिर उसकी छाप ली, तो उसके दो अलग अलग निशान आ गए. तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, रूही ट्रेस द बाउल बाय यूजिंग ब्रिम एंड बेस ऑफ इट, कीपिंग इन टू डिफरेंट पोजीशंस. लुक फॉर अदर थिंग्स लाइक रूहीज बाउल विच कैन गिव मैनी डिफरेंट ट्रेसेस. अब आपको क्या करना है, कुछ और ऐसी चीज़ें देखनी है जिनके आप क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग ट्रेसेस ले सकते हैं, जैसे कि रूही ने बाउल से लिए. तो आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि कप्स, ग्लास, प्लेट्स एट्सेट्रा. इस तरह की आपको चीज़ें ले सकते हैं जिनके आप दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेसेस ले सकते हैं. ओके. डू एट होम. ये एक्टिविटी है, आपको घर पे करनी है. ऑन अ न्यूज़पेपर ट्रेस द हैंड्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन योर फैमिली. आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स के हाथों के ट्रेसेस लेने हैं. आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच ट्रेस इज ऑफ योर हैंड, योर मदर्स, योर फादर्स एट्सेट्रा. फिर आपने जिस जिसके हैंड ट्रेस किए हैं न्यूज़पेपर पे, आप अपने फ्रेंड के पास उन्हें लेके जाइए और अपने फ्रेंड को कहिए कि गैस करिए कि आपका हाथ कौन सा है, आपकी मदर का कौन सा है, फादर का कौन सा है, और जो अदर हैंड्स के ट्रेसेस आपने लिए हैं वो किस किस के हैं. रीड एंड ड्रॉ. पढ़ो और ड्रॉ करो. तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन चेयर्स. तमन्ना और उसकी मम्मी चेयर्स पर बैठे हैं. तमन्ना इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक. तमन्ना एक स्टोरी बुक पढ़ रही है. हर मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. और उसकी मम्मी एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है. तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ टेबल.
तमन्ना और उसकी माँ टेबल के अपोजिट साइड्स यानी कि एक दूसरे के आमने सामने वो बैठे हैं। ड्रॉ द मिसिंग थिंग्स इन द पिक्चर। आपको क्या करना है, जो मिसिंग थिंग्स हैं पिक्चर में, यहाँ पर पिक्चर है, वहाँ पर जो मिसिंग थिंग्स है वो आपको ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या क्या ड्रॉ करना है। एक तो टेबल जिसके अपोजिट साइड्स में वो बैठे हैं, स्टोरी बुक जो तमन्ना पढ़ रही है, न्यूज़पेपर जो उसकी मम्मी पढ़ रही है, एंड चेयर्स जिस पर वो बैठे हैं। ये आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, तभी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। मोर फन विद ट्रेसिंग। कुछ और फन करते हैं हम ट्रेसेस के साथ। कलेक्ट सम थिंग्स सच एज अ पोटैटो, अ बॉटल कैप, अ मैच बॉक्स कवर, अ शार्पनर, एन इरेजर, अ स्पून, अ बस टिकट, अ कॉइन, अ स्ट्रॉ। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अदर थिंग्स। आप कुछ चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि पोटैटो, बॉटल कैप, मैच बॉक्स कवर, शार्पनर, इरेजर, स्पून, बस टिकट, कॉइन, स्ट्रॉ, और भी कुछ अदर थिंग्स आप ला सकते हैं, तो वो आप रखिए। ट्रेस ईच ऑफ दीज, आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस। फिर क्या करना है आपको, उनकी छाप लेनी है, ट्रेस करना है उनको, और फिर अपने फ्रेंड को कहना है कि गेस करो कि कौन से किस चीज़ की ट्रेसेस हैं। ओके, सो इट्स एन एक्टिविटी फॉर यू, यू कैन डू इट। लुक एट द शेप ऑफ ईच ट्रेस यू हैव मेड। आपने जो ट्रेस ली है उनके जरा शेप को देखिए। सी इफ इट लुक्स लाइक एनी ऑफ द शेप्स गिवन हियर। देखिए अगर कोई भी उनमें से शेप्स जो है, यहाँ नीचे आपको कुछ शेप्स बना के दी हैं, उससे मैच होती है या नहीं। राइट द नेम ऑफ द थिंग बिलो द शेप। कुछ आप चीज़ों के नाम लिखिए जो इन शेप से मैच होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो फर्स्ट में आपको ये सर्कल जैसी शेप दिख रही है, तो सर्कल जैसा क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं चपाती, बैंगल्स, कॉइन्स, प्लेट्स, लड्डू, व्हील, बॉल, एट्सेट्रा। सेकेंड आपको ये दिख रहे हैं बॉक्सेस टाइप में, स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं नोटबुक, मैच बॉक्स, क्लॉक, इरेजर, टिकट, मोबाइल, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। थर्ड है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल वाले में हम लिख सकते हैं कैप, शार्पनर और अदर थिंग्स आप खुद लिखिएगा। और लास्ट में हमारे पास ये एक शेप है, ओवल शेप में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटैटो, एग, प्लेट्स, एट्सेट्रा। ओके, तो इस तरह से आपको फाइंड करनी है कुछ चीज़ें जो कि इन शेप से मैच होती हैं, फिर आपको यहाँ पर वो फिल कर देना है। तरानी शेप। तरानी ने कुछ शेप बनाए हैं। तरानी मेड अ पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स। तरानी ने एक यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करी है अलग अलग शेप्स को यूज़ करके। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए इस पिक्चर को। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, अब हम उन्हें करेंगे। लुक एट तरानीज पिक्चर एंड टेल। तरानी की पिक्चर को आप जरा ध्यान से देखिए और फिर बताइए ये कौन सी शेप है। इट्स अ ट्रायंगल, सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे अगर ट्रायंगल्स को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 30 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यू विल फिल हियर 30। हाउ मेनी, ये रेड वाला कौन सा शेप है, स्क्वायर्स। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, देयर आर 9 स्क्वायर्स। हाउ मेनी ग्रीन शेप, ग्रीन शेप किस चीज की है, रेक्टेंगल। सो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, रेक्टेंगल्स है वहाँ पर 7। हाउ मेनी येलो शेप्स, येलो शेप्स में क्या है, इट्स अ सर्कल, तो सर्कल कितना है वहाँ पर 24। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पहले काउंट कर लीजिएगा, फिर आप इसे फिल करेंगे। सो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा, कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट्स देखे और कुछ शेप्स के बारे में पढ़े, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो हमने शेप्स यहाँ पर देखी और उनके बारे में हमने पढ़ा। और कुछ एक्टिविटी हमने करी जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ली, उनके ड्रेसेस लिए और उनको आइडेंटिफाई किया। सो होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।